और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है रूस से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी की बेटी दारिया दुगिन की कार धमाके में मौत हो गई है। दारिया दुगिन की कार धमाके में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अलेक्जेंडर दुगिन को पुतिन का ब्रेन भी कहा जाता है और अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन की कार धमाके में मौत होने की खबर मिल रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, इस कार में सवार थी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन, जिनकी कार धमाके में मौत हो गई, आग की लपटों में घिरी। जिस गाड़ी को आप देख पा रहे हैं, उसी गाड़ी में अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन सवार थी। अलेक्जेंडर दुगिन राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी, इतनी करीबिया कि उन्हें राष्ट्रपति पुतिन का ब्रेन कहा जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको सायरन की आवाज सुनाई दे रही होगी। वहां सड़कों पर अफरा तफरी और राष्ट्रपति पुतिन के साथ अलेक्जेंडर दुगिन की तस्वीर आपको हमने दिखाई। इन्हीं की बेटी दारिया दुगिन की ब्रेन धमाके कार धमाके में मौत हो गई। और बता दें आपको कि इन तस्वीरों में जो आपको गाड़ी नजर आ रही है, जो आग की लपटों में घिरी हुई है, उसी गाड़ी में अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन सवार थी। अलेक्जेंडर दुगिन को राष्ट्रपति पुतिन का ब्रेन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो तमाम चीजें वो सोचते हैं, जिस तरह की रणनीति बनाते हैं, उसके पीछे अलेक्जेंडर दुगिन का बहुत बड़ा हाथ रहता है। उनकी बेटी दारिया दुगिन की कार धमाके में मौत होने की इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। वो जा रही थी और रास्ते में ही उनकी कार में अचानक धमाका हुआ और उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। और ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन की कार धमाके में मौत हो गई। धमाके के पीछे कौन था, किसकी साजिश थी, किस तरह से कार में यह धमाका किया गया, किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, तमाम चीजों की अब जांच की जा रही है। तस्वीरों में आपने देखा दारिया दुगिन को भी और उनके पिता अलेक्जेंडर दुगिन को भी। दारिया दुगिन को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, साथ एक और तस्वीर में वो गाड़ी जो आग की लपटों में घिरी हुई, जिसमें सवार थी दारिया दुगिन, जिनकी इस धमाके में मौत हो गई। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अलेक्जेंडर दुगिन को राष्ट्रपति पुतिन का ब्रेन कहा जाता है। कहा जाता है कि जिस तरीके से वो सोचते हैं, रणनीतियां बनाते हैं और रूस को लेकर जो कदम उठाते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका अलेक्जेंडर दुगिन की मानी जाती है। बेहद करीबी हैं राष्ट्रपति पुतिन के, और क्या निशाने पर थे अलेक्जेंडर दुगिन, ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। जिस तरह से उनकी बेटी की कार धमाके में मौत हुई, कार में किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, कैसे यहां तक पहुंच गए साजिशकर्ता और कौन था साजिश के पीछे, इन तमाम चीजों की जांच समय की जा रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आग की लपटों में घिरी कार, सड़क पर अफरा तफरी और साथ ही सायरन की आवाजें, ये बता रही कि यहां पर क्या हुआ है। कार में धमाका हुआ, धमाके में अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन की मौत। तो क्या दारिया दुगिन के गाड़ी में जिस तरह धमाका हुआ, निशाने पर अलेक्जेंडर दुगिन थे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है, या दारिया दुगिन की हत्या करना ही मकसद था, या बेटी के बहाने पिता पर निशाना था, ये तमाम सवाल और कौन इसके पीछे था, इसकी जांच की जा रही है। इन तस्वीरों में आप पुतिन के साथ अलेक्जेंडर दुगिन को भी देख पा रहे हैं, जिनकी बेटी की इस कार धमाके में मौत हो गई। ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार रूस से, ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर आप आग की लपटों में घिरी जिस गाड़ी को देख रहे हैं, उसमें अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन, जिनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, वो सवार थी, उसमें धमाका हुआ, धमाके में दारिया दुगिन की मौत हो गई। कौन था दारिया दुगिन की हत्या के पीछे, क्या निशाने पर अलेक्जेंडर दुगिन थे, क्योंकि अलेक्जेंडर दुगिन तो निशाने पर लेना मतलब पुतिन को बड़ा नुकसान पहुंचाना, क्योंकि पुतिन के बेहद करीबी हैं अलेक्जेंडर दुगिन। अलेक्जेंडर दुगिन को पुतिन का दिमाग भी कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। कहा जाता है कि जो पुतिन और दुगिन के सोचने का तरीका एक जैसा ही है, और जो पुतिन सोचते हैं, दरअसल उसके पीछे अलेक्जेंडर दुगिन होते हैं। किस तरह से पड़ोसी देशों को लेकर कदम उठाने हैं,
क्या सोच रखनी है, क्या रणनीति बनानी है, इसके पीछे एक बड़ी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका अलेक्जेंडर दुगिन की रहती है। अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारा दुगिन की हत्या, कार में धमाका हुआ और धमाके में दारिया दुगिन की मौत हो गई। बेहद करीबी दारिया दुगिन के पिता हैं अलेक्जेंडर दुगिन राष्ट्रपति पुतिन के, और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि दारिया दुगिन के बहाने के निशाने पर अलेक्जेंडर दुगिन को लेना था, लेकिन कौन था इसके पीछे, किस तरह से विस्फोटक लगाए गए, कैसे ये हमला किया गया, धमाका कैसे हुआ, इन तमाम चीजों की अब जांच की जा रही है। तो कार को धमाके से उड़ाया गया और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं क्या दारिया दुगिन के साथी अलेक्जेंडर दुगिन निशाने पर थे, क्या हमला इस मकसद से किया गया कि अलेक्जेंडर दुगिन को नुकसान पहुंचाना है, क्या टारगेट जो असली टारगेट था वो अलेक्जेंडर दुगिन था, तमाम सवाल इस समय उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जानकारी मिल रही है कि इस धमाके में दारिया दुगिन की मौत हो गई। तो कार को धमाके से उड़ाकर दारिया दुगिन की हत्या की गई, दारिया दुगिन अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी, और इसीलिए सवाल उठना यहाँ पर वाजिब हो जाता है क्या निशाने पर अलेक्जेंडर दुगिन थे। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रणय, अभी शुरुआती दौर है लेकिन जानकारी क्या कुछ मिल पाई है इसको लेकर? देखिए, इस हमले के पीछे कौन है, किस तरीके से इस असासिनेशन को अंजाम दिया गया, ये तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हाल ही में रूस के खिलाफ हमलों की एक सीरीज शुरू हुई है, जिसके अंदर सेवास्टोपोल के नेवल बेस की बात की जाए या क्राइमिया के अंदर एयरबेस की बात की जाए, जो रूस के एस्टेब्लिशमेंट है उनको निशाना बनाने की कोशिश की कड़ी में इसे जोड़कर देखा जा रहा है, जिस तरीके से अलेक्जेंडर दुगिन जिनकी बेटी इस हमले के अंदर मारी गई है, क्योंकि अलेक्जेंडर दुगिन जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट माने जाते हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर माने जाते हैं, या इस रशिया के खासतौर पर जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिहाज से, और जो नो रशिया का कंसेप्ट है, यानी रशिया का जो नेशनलिज्म है या न्यू नेशनलिज्म है, उसके लिहाज से अलेक्जेंडर दुगिन को न केवल खास माना जाता है बल्कि राष्ट्रपति पुतिन के भी बेहद खास सलाहकार माने जाते हैं। तो ऐसे में उनकी बेटी का मारा जाना, और खासतौर पर ऐसे में जबकि दुगिन की कार इस हादसे का शिकार हुई है, यानी इस हादसे के निशाने पे, इस हमले के निशाने पे कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर दुगिन थे, उसको रास्ते में अचानक उन्होंने जब इस गाड़ी में न बैठने का फैसला किया और उसके बाद उनकी बेटी इस कार को लेके निकली और उसमें इस कार में धमाका हुआ, क्योंकि ये मॉस्को के माइजोस्तोवा हाईवे के पास की घटना है जहां पर इस कार के अंदर अचानक चलते हुए धमाका हुआ और आसपास कितना धमाका जोरदार था, ये तस्वीरों में अपना आप देख सकती है कि किस तरीके का धमाका हुआ है, और इसमें महज चंद सेकंड के अंदर जो दारिया दुगिन है उसकी मौत हो चुकी थी। और जिस तरीके से धमाका हुआ है वो बताता है कि सीधे सीधे एक असासिनेशन प्लॉट है। हालांकि निश्चित रूप से रूस की सुरक्षा एजेंसियां इस चीज की जांच में तत्काल जुट गई हैं, और जिस तरीके की जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक इस हमले के पीछे जो तमाम कड़ियां हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश फिलहाल शुरू हो चुकी, क्योंकि ये हाई लेवल एक पॉलिटिकल मामले के तौर पर देखा जा रहा है। पढ़ना जी बिल्कुल वही प्रणय, दारिया दुगिन के बारे में बताएं, क्या वो भी पॉलिटिकल एक्टिव थी पॉलिटिकली? जी, वो अपने पिता के तरह ही इस जो नव रशिया का कंसेप्ट है या पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसकी समर्थक मानी जाती थी। वो अपने पिता के साथ सक्रिय भी थी इस चीज के अंदर, क्योंकि उनके पिता रशिया के बड़े एक पॉलिटिकल फिलॉसफर माने जाते हैं, और स्वाभाविक रूप से उनकी आइडियोलॉजी से और वो समर्थक भी मानी जाती थी। और ऐसे में हालांकि ये माना जा सकता है कि इसमें निशाने पर दारिया दुगिन नहीं थी बल्कि अलेक्जेंडर दुगिन इसके निशाने पर थे, और ये कोलेट्रल डैमेज हुआ है, क्योंकि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दारिया दुगिन की मौत के बाद जब उनके पिता को इसकी जानकारी मिली और वो उस एक्सीडेंट साइट के ऊपर पहुंचे, उस एक्सप्लोजन साइट के ऊपर पहुंचे, तो आप चेहरे के भाव देख सकते हैं। अलेक्जेंडर दुगिन जो है कुछ देर के लिए एकदम माथे पे हाथ पकड़ के माथा पकड़ के खड़े नजर आते हैं इन तस्वीरों के अंदर, जो आप भी देख पा रही हैं, और इन तस्वीरों से साफ नजर आता है एक डीप सेंस ऑफ शॉक कहा जा सकता है, एक कड़वा झटका जो है वो उन्हें इस घटना से निश्चित रूप से लगा होगा, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि बेटी और पिता काफी क्लोज भी थे, और इस तरीके से उनकी सोशल मीडिया पे कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, और जिसके अंदर ये दोनों जो है वो कई बार साथ देखे गए, कई कार्यक्रमों में भी साथ नजर आए, और स्वाभाविक रूप से एक पिता के सामने अगर इस तरीके की घटना आती तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए झटका लगना बहुत स्वाभाविक थी इसकी बात है। लेकिन निश्चित रूप से ये रशिया के पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट के लिए भी एक झटका है अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है, वो भी राजधानी मॉस्को के अंदर। जी
बिल्कुल, तो मॉस्को के अंदर इतनी बड़ी घटना का हो जाना, और जिस तरीके से आपने प्रणय पूरी घटना के बारे में जानकारी दी कि जिस गाड़ी में दारिया दुगिन सवार थी, दरअसल उस गाड़ी में उनके पिता को सवार होना था, वो उनके पिता की गाड़ी थी, लेकिन एन मौके पर पिता का ये फैसला करना कि किसी और गाड़ी से जाएंगे और बेटी इस गाड़ी में सवार हो जाती है जो इस हमले का शिकार बनती है और उनकी हत्या इस हमले में, उनकी मौत इस हमले में हो जाती है। कहीं ना कहीं ये राष्ट्रपति पुतिन के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है, एक बहुत बड़ा संदेश उन तक पहुंचाने की कोशिश की गई कि जो दुश्मन है वो कितने क्लोज है, कितने करीब है। निश्चित रूप से यहाँ पर ना इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, और जैसा मैंने कहा आपसे कि रशिया की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जो रशिया की एसएसबी है, वो इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है, और स्वाभाविक तौर पर ये माना जा सकता है कि अगर एक क्लोज पॉलिटिकल आईडी या एक नजदीकी राजनीतिक सलाहकार के परिवार को इस तरीके से निशाना बनाया जाता है, और अगर वो तो अगर ऐन मौके पर बदलाव न हुआ होता तो ये घटना अलेक्जेंडर दुगिन के साथ हुई होती, और ऐसे में ये सीधे तौर पर राष्ट्रपति पुतिन के इसके खिलाफ ये हमले के तौर पर इसे देखा जा रहा है, और ये निश्चित रूप से रशिया की सिक्योरिटी एजेंसी के लिए एक एक, एक अलार्म जरूर है, क्योंकि इसके लिहाज से अगर वहां तक अटैक हो गई है, राजधानी मॉस्को के अंदर इस तरीके का हाई लेवल पॉलिटिकल असासिनेशन कर दिया जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर दुगिन जो है वो राष्ट्रपति पुतिन के करीब है, ये कोई नई बात नहीं है, सबको वहां पता था, इसलिए उनकी कार में या उनकी बेटी की कार के अंदर एक्सप्लोजिव को फिट किया जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक जो है उसको भी दर्शाता है, साथ ही कहीं ना कहीं एक बहुत गहरे तक ये साजिश रची गई, काफी समय की प्लानिंग के बाद इस हमले को अंजाम दिया गया होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल पॉलिटिकली कनेक्टेड फैमिली के मेंबर को या उनकी उनके वाहन को निशाना बनाना आसान नहीं है। स्वाभाविक रूप से रशिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो प्रोटेक्ट करती ही हैं हाई प्रोफाइल लोगों को, साथ ही जो पुराना नेटवर्क है, क्योंकि रशिया की सोवियत संघ के समय से ही पहले केजीबी और उसके बाद एफएसबी दोनों का ही नेटवर्क काफी बड़ा माना जाता है, काफी तगड़ा माना जाता है, तो ऐसे में अगर उनकी नाक के नीचे इस तरीके की घटना हो जाती है तो ये बड़ी चूक तो है ही, साथ ही साथ ये जो खतरे की घंटी है वो भी बजाता है, और ऐसे में कई लोग और निशाने पे हो सकते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जो वहां पर लोकल नेटवर्क है जो इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, उसकी जो जिस तरीके से प्रसिद्धि भी है रूस के बाहर भी वहां के खुफिया एजेंसियों की, वो इस बात का वक्त रहते पता क्यों नहीं लगा पाए, क्योंकि अगर इस गाड़ी में अलेक्जेंडर दुगिन सवार होते तो वो इस हमले का शिकार बनते। प्रणय, आप बने रहिए हमारे साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको रूस से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन की कार धमाके में मौत हो गई, और बड़ी बात यह है कि जिस कार धमाके में उनकी मौत हुई, जिस कार में वो सवार थी, वो कार दरअसल उनके पिता अलेक्जेंडर दुगिन की, जिन्होंने एंड मौके पर यह फैसला लिया कि वो उस गाड़ी में सवार ना होकर किसी और गाड़ी में जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।